हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जून महीने के लिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि तीन कौन सी घटनाएं हैं जो आपकी राशि में होकर रहेंगी। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो मैं कहूँगी मून साइन या नाम के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आपको अपनी जो है नाम के अनुसार राशि नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि नहीं मालूम, तो आप ठीक नीचे वीडियो के जाएं, एकदम वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। आप उसमें चेक कर सकते हैं अपने नाम के अनुसार आपकी राशि कौन सी है या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी है। आप लोगों की हेल्प के लिए स्क्रीन पर भी आपके आपके नाम का पहला अक्षर आपके लिए मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि राशि आपकी है या नहीं है। ठीक है, सो इस रीडिंग को जो है हम टैरो के जरिए करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान नहीं देना, यानी कि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं पुरुष हैं, या अगर मैं किसी के लिए रीड कर रही हूँ वो स्त्री है या पुरुष है, इसलिए सिर्फ फोकस करना एनर्जीज पे, लड़का लड़की पे नहीं। ठीक है, सो अभी हम लोग जो है अपनी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में। तीन घटनाएं यूनिवर्स मुझे बताएं, जून के महीने में तीन घटनाएं मेष राशि वालों के लिए कौन सी हैं जो घटित होंगी जून 2024 और मेष राशि। लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ वॉन्स। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मेष राशि वालों, सबसे पहली जो चीज आपके साथ घटित होगी वो ये है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्पार्क देखने को मिलेगा इस महीने। इस महीने आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ, लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्पेशली आप सिंगल हैं तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट की एनर्जी आएगी, यानी कि या कोई आएगा या लड़का, स्त्री पुरुष कोई भी आ सकता है आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में अब सिंगल नहीं रहेंगे ज्यादा लंबा टाइम तक। और जिन लोगों की लाइफ में ना जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में एक दूरियां थी, वो दूरियां कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है तो वो खत्म होगा। इस टाइम फ्रेम में इंटीमेसी भी काफी रहेगी आप लोगों के बीच में, फिजिकल इंटीमेसी काफी रहेगी। और यदि आप लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है इस टाइम फ्रेम में, कोई अच्छी प्रोफाइल आपको दिखने को मिल सकती है, जिसके वजह से अब आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों की सबसे पहली और प्यारी घटना ये होगी कि आप लोगों की लव लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले लंबे टाइम से आप इस चीज को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, आप किसी को ये चीजें बता नहीं रहे थे। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुद को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बैठे थे, लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने चिंताएं जरूर की हैं, आपने लोगों को दिखाया नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर आपने अकेलेपन और एक खालीपन का एहसास जरूर किया है। इस टाइम फ्रेम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपकी एनर्जी में सेलिब्रेशन दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे बहुत लंबे समय से, वो कार्य पूरा होने जा रहा है। यदि किसी की शादी के रिलेटेड बात चल रही थी, वो बात भी एक कदम आगे बढ़ती हुई, यानी कि आपको उसमें भी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए लव रोमांस डेफिनेटली इस महीने मुझे दिखाई दे रहा है। इस महीने आप जो है खोए रहेंगे एक रोमांटिक एनर्जी में और डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे। सो, अब बात करते हैं दूसरी घटना की। दूसरी घटना में दिखाई दे रहा है आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे। इस टाइम फ्रेम में आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, स्पेशली आपकी मदर पे। आपकी मदर पे आपका फोकस काफ़ी रहेगा, उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत एक्टिव रहेंगे, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपकी मदर बाय एनी चांस नहीं है, तो कोई मदर जैसी व्यक्ति है जिस पर आप बहुत ध्यान देंगे, जिसको लेकर आप बहुत कंसर्न रहेंगे इस महीने। इस महीने ये भी चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई अचानक से कोई पुराना मित्र एंटर कर जाए। ठीक है, पुराना कोई मित्र अचानक से आ सकता है जिससे आपकी बातचीत हो सकती है, और ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर कोई एक्स अगर पीछे छूटा था, किसी एक्स से जो है टाटा बाय बाय हो गई थी, तो उसकी भी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बीते कल से किसी को लेकर आ रहे हैं, आप बीते कल से किसी को जिसको बहुत समय से आपने याद किया, अचानक से उस व्यक्ति की एंट्री हो रही है। तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में नाइन ऑफ वॉन्स आप नियर गोल हैं और नजदीक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई खुशखबरी या अबंडेंस
आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। अगर आपकी मदर की हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे तो आपकी मदर की हेल्थ में ग्रोथ और सुधार देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपकी लाइफ में अगर किसी पास्ट पर्सन को आप बहुत याद करते थे, उनका आना आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग जैसा हो जाएगा, जिससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। और उसी हिसाब से मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि अनचाहे अचानक से मेहमान भी एंटर कर सकते हैं, अचानक से कुछ मेहमान घर पे आ सकते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा शोर शराबा देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली दूसरी घटना रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी बीते कल से किसी व्यक्ति को आप जो है वापस लाएंगे, और ये है आपका कोई मित्र, कोई एक्स या आपकी मदर है, जिनको लेकर आप बहुत कंसर्न रहेंगे, हीलिंग के लिए ध्यान देंगे और फैमिली को लेकर आप बहुत फोकस्ड और डेडिकेटेड रहेंगे। इस टाइम फ्रेम में आपके अंदर की इमोशन काफ़ी एक्टिव मोड में है, तो यस, इमोशनल आप काफ़ी रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप सैड लेवल में इमोशनल रहेंगे या रोएंगे धोएंगे, नहीं, इमोशनल यानी कि आपको अपने रिश्तों की कदर बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने। आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे इस महीने। आपका ध्यान जैसे होता है ना कि मटेरियल लाइफ में लोगों का बहुत ध्यान होता है कि बहुत पैसा बनाना है, बहुत ये करना है, वो करना है, इस महीने आपका ध्यान उन चीज़ों पे नहीं है। आपका ध्यान है कि मुझे मेरे रिश्ते बेहतर चाहिए, मुझे मेरे आसपास के लोग चाहिए जो मुझसे प्यार करें, और मुझे उनको कैसे पूरा करना है, कंप्लीट करना है, इस तरीके की एनर्जी। इमोशनली आप जो है एक्टिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यूजुअली एरीस राशि वाले बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं, लाइक बुद्धि के लिए भागते हुए, यानी कि इंटेलिजेंस, विजडम, नॉलेज गेन करने वाली पर्सनालिटी रहे हैं हमेशा। नॉलेज गेन करने में या प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करने वाली पर्सनालिटी रहे हैं मेष राशि वाले। प्लस फायर इतनी रहती है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका हाई रहता है। मोस्टली काम को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बट दिस टाइम कुछ आप लोगों के लिए जो है चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लव लाइफ में भी हीलिंग है, बेटरमेंट है, प्लस आप अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी कंसर्न है। यहाँ पर तीसरी घटना की अगर मैं बात करूँ, ये तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रही है कि जून के महीने में आपकी एनर्जी में बचपना देखने को मिलेगा। यस, आप अपने आप को बच्चे जैसा बनाएंगे। अब बच्चे जैसे से क्या मतलब है, मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे जैसे का मतलब ये हुआ कि पल पल में मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपको, ठीक है। एक पल बहुत अच्छे चल रहे हैं, नटखट हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अगले ही पल आप नोटिस करेंगे कि एकदम से आपको गुस्सा आ गया। तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपको इस महीने, ठीक है। सडनली रख रख के आप एकदम से ओवर रिएक्ट करेंगे और सडनली एकदम से शांत भी हो जाएंगे। तो ये जो मूड स्विंग्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है जून के महीने में। अचानक से मूड ठीक होगा, अचानक से मूड खराब होगा, ये एनर्जी दिख रही है। और प्लस आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि थकान बहुत महसूस होगी आपको, इसलिए अचानक से आप इरिटेट हो जाएंगे। थकान के चलते ही आपके अंदर सडन इरिटेशन आएगा। ये जो एकदम से आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो आपके अंदर थकान के चलते, कोई काम को लेकर थकान रहेगी जिसमें आप भाग दौड़ कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों को लेकर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो किसी तरीके का शोर शराबा जो है वो अचानक से आपको हाइपर कर दे रहा है, लेकिन दो मिनट के अंदर आप शांत भी हो जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस टाइम फ्रेम में आप अपने नॉलेज को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम फ्रेम में इस महीने आपका ध्यान कमाने से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में ज़्यादा होगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं और ज़्यादा सीखूँ, और ज़्यादा लर्न करूँ, और बेहतर पर्सन बन सकूँ। फैमिली पे आप फोकस दें, लेकिन लर्निंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स बहुत फोकस रहेंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्लियरली दिख रहा है कि अगर कोई रिजल्ट भी आ रही है तो उसमें आप अपना 100% देंगे, डेडिकेशन दे रहे हैं, तो इसलिए रिजल्ट भी अच्छी आ रही है। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपकी अच्छी खासी जो है आपकी स्टडीज़ में, आपकी लर्निंग में, आपकी नॉलेज में अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, जिसके वजह से आप जो है आने वाले समय में और बेहतर जो है रिजल्ट देते हुए, आने वाले समय में और बेहतर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ये टाइम फ्रेम आपको बहुत शाइन करने वाली एनर्जी में लेके जा रहा है, क्योंकि तीनों ही घटनाएं आपके लिए ब्यूटीफुल घटनाएं हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप शाइन करने वाले हैं, अब आप ग्लो करने वाले हैं और आपकी लाइफ में बेटरमेंट आने वाली है। अब लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, जून 2024 के लिए गाइडेंस क्या है। एम्परर विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यस, आप बहुत मैच्योर हैं। यस, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करो, बातों में नहीं, क्योंकि ये महीना ऐसा लग रहा है बातें बहुत कर रहे हैं, एक्शंस थोड़े कम हैं। अब लेट्स से कोई चीज़ आपको करनी है आपके माइंड में कि ये चीज़ मुझे करनी है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको अपने जॉब पर जाना है, तो आप बोल रहे हैं हाँ मैं कल टाइम से ना उठ के ठीक 6 बजे उठ के ना काम पे मतलब अपनी सारी वर्कआउट करके, एक्टिविटीज़ करके, सब कुछ निपटा के टाइम से मैं अपने ऑफिस चले जाऊँगा।
लेकिन अगले दिन होता क्या है, आप अगले दिन 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, जैसा टाइम आपने प्लान किया है वैसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बातें बहुत हो रही हैं, एक्शन थोड़े कम है। तो यूनिवर्स कह रही है कि एक्शन ज्यादा लाओ, बातें कम करो, मतलब बोलो कम, एक्शन में ज्यादा, एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस करो। प्लस ये टाइम फ्रेम वो है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। अगर आप घूमने जाएंगे एक दिन या दो दिन, थोड़ा सा आप बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये जो बर्डन वाली एनर्जी है, अचानक से आप हाइपर हो जा रहे हैं, वो एनर्जी आपकी नहीं रहेगी। तो ड्राइविंग इज गुड फॉर यू इस महीने, आपके लिए ड्राइविंग अच्छी है। इस महीने घूमना फिरना आपके लिए अच्छा है। इस महीने आपके एक्शंस यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो करना अच्छा है। प्लस ये एक्शंस वर्कआउट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस महीने आपके लिए वर्कआउट भी बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप वर्कआउट करते हैं। इस महीने क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स बोल रही है कि आप अपनी बॉडी को ज्यादा पुश करें। लेकिन एक चीज और, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे बोलोगे भी कि दीदी आपने क्या बोला, अभी कुछ और बोल रहे हो, अभी कुछ और। एक चीज और मैं बोलूंगी, मैंने आपको कहा कि आप ड्राइव करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, एक्शन सीख रहे हैं और लाइक उसमें जाएंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा, बेटर फील करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी, इस महीने गाड़ी थोड़ी संभाल कर चलाएं, ठीक है? अचानक से कोई चोट लग सकती है, इसलिए कह रही हूँ गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाएं। गाड़ी चलाने में थोड़ा ध्यान दें क्योंकि चोट लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक इंजॉय तो करना है, एक्शन तो लेने हैं, लेकिन हर चीज़ का ना आपको थोड़ा सेफ्टी या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। जैसे जिम है तो जिम में भी बड़े बड़े डंबल्स उठा रहे हैं, थोड़ा सा सेफ चलने की कोशिश करें क्योंकि कुछ चीज़ आपको चोट चपेट लग सकती है इस महीने, ऐसी एनर्जी भी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है? सो ओवरऑल मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।